बैम बूम ड्रीम दोस्तों, कैसे हो, क्या पोजीशन है? बहुत बहुत महाफाड़ू महाखतरू पॉन्डिचेरी, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बात करने वाले हैं हम कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर की। जी हाँ, 25 अक्टूबर को ये रिलीज़ होने वाला है और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल रिलीज़ होने वाला है 1 अक्टूबर को शायद, मेरे ख्याल से। तो वो भी हम कवरअप करने वाले हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भी करेंगे, कवरअप करेंगे और खेलेंगे भी साथ साथ। बात करते हैं आज कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर की। बीटा में जब से बीटा लॉन्च हुआ है, मैं पहले मिनट से ही बीटा खेल रहा हूँ और लास्ट की जो दो रातें मेरी गई हैं, 3-3 बजे तक मैंने खेला है। ऐसी गेमिंग मैंने इन्जॉय किए हुए, बहुत टाइम बीत गया कि मैंने ऐसी गेमिंग इन्जॉय की हो। है, मैं ये नहीं बोल रहा कि रात को जगना चाहिए और गेम्स खेलने चाहिए, पर पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मैं इस गेम से उठ नहीं पाया, पर नहीं, मुझे अपनी दिनचर्या में वापस लौटना होगा। खैर, बात करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर की, कैसा लगा मुझे गेम और क्या पिछले कॉल ऑफ ड्यूटी से ये कुछ अलग है। नए इंजन पे बना है तो यस, अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, पर जो एक फील कैरी करता है कॉल ऑफ ड्यूटी अपने फैंस के लिए, वो फील वहीं का वहीं है, कहीं गया नहीं है। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड इसमें कुछ खास ऐड नहीं किया गया है कि आपको बहुत ही खतरनाक रिकॉर्ड मिल रहा है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इंसर्जेंसी सैंडस्टॉर्म गेम है, जैसे पबजी है, पबजी पीसी की बात कर रहा हूँ मैं, पबजी पीसी में बहुत गंदा रिकॉर्ड है और मास्टर करने में ना नहीं आवाज आती है। खैर, हर गेम को आप पबजी पीसी के रिकॉल से कंपेयर नहीं कर सकते। बैटलफील्ड और कॉल ऑफ ड्यूटी कैजुअल ऑडियंस की तरफ टारगेट होते हैं, हमेशा से होते रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप आओ अपने दिन भर के काम से फ्री होके, ट्यूशन, कॉलेज, जॉब से आके बैठ रहे हो, दो घंटा इंजॉय किया, बहुत है। इस तरह के गेम्स हैं, कैजुअल गेम्स हैं कॉल ऑफ ड्यूटी और बैटलफील्ड 5। पर हाँ, यस, डेफिनेटली थोड़ा सा पॉलिश अप वर्क लग रहा है, पर ग्राफिकली अभी भी मैंने अल्ट्रा ग्राफिक्स में भी खेल के देखा है, पर फिर भी मुझे बैटलफील्ड 5 के वेरी लो ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कॉल ऑफ ड्यूटी के मॉडर्न वॉरफेयर से। तो खैर, कॉल ऑफ ड्यूटी के जितने भी गेम्स हैं वो इस तरह से ही ऑप्टिमाइज होते हैं कि वो हर एक सिस्टम में चल सकें। तो ग्राफिकली कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत ही विजुअल एस्थेटिक्स कैरी कर रहा है नए ज़माने के हिसाब से कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर। बात करते हैं गन प्ले की। यूएस के जितने भी वेपन्स होते हैं हर बार हर गेम में आपको, क्योंकि वहीं बनते हैं गेम्स, तो वहाँ के वेपन्स हमेशा से ही एकदम वेल ऑप्टिमाइज्ड गेम में चलने के लिए होते हैं, और इसमें अभी काफ़ी वेपन बैलेंस के लिए काम करना होगा विदाउट अ डाउट। M4 एक US वेपन है, M4A1, और M4 एक ओप में M4 को ओपी वेपन नहीं बोलने वाला कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर बीटा के अंदर। मैं ये कहूँगा कि दूसरे वेपन्स को ढंग से बैलेंस आउट नहीं किया गया। मैं इस बात पे आपका ध्यान लाना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि M4 सबसे ज़्यादा ओपी है और आप दूसरी गन से कुछ कर ही नहीं सकते। मैं आपके सामने ओडिन का गेम प्ले लेकर आने वाला हूँ। ओडिन एक असॉल्ट राइफल है और बाप रे बाप, चीर डालती है वो लोगों को। वेपन बैलेंस से मेरा मतलब ये है कि अगर आप अपने क्लोन के सामने खड़े हो, आपके पास है M4, एक वेल किटेड M4, एक बात मैं बता दूं, अटैचमेंट्स बहुत मैटर करते हैं इस बार के कॉल ऑफ ड्यूटी में, जो मुझे सबसे बढ़िया फीचर लगा है। अटैचमेंट्स वाकई में मैटर करते हैं यार, आपने क्या अटैचमेंट्स लगाए हैं उससे आपकी मूवमेंट और यू नो एम डाउन स्पीड, बुलेट का डैमेज रेंज और बुलेट का स्प्रेड मीडियम टू लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट में कैसा रहेगा, इस बार ही मैटर करता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उससे अच्छा बोलना होगा मुझे। पर जैसे कि मैं बात कर रहा था, अगर आप अपने क्लोन के सामने खड़े हो, आपके पास है फुली किटेड वेल किटेड M4 और सामने वाले बंदे के पास कोई दूसरा वेपन है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है वो फायर फाइट जीतने के, क्योंकि टाइम टू किल इसमें इतना कम है, इतना टाइम टू किल कम है, पलक झपकते ही आपका गेम हो जाता है। पलक झपकते ही अगर आपने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए राइट साइड में देखा तो लेफ्ट से कोई खोपड़ी खेल देगा, खोल देगा। अगर आपने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए लेफ्ट देखा तो राइट साइड से कोई खोपड़ी खोल देगा। अगर आप थोड़ा सा आगे, आप एक जगह रुक के तो देखो, खुली जगह में नहीं, सड़कों पर चलना मना है, रियल लाइफ में नहीं। इस गेम में जो ओपन पाथवे हैं, जहाँ कहीं भी टेरेन में, तो आप दिखो ही मत, कोई ना कोई आपको गारंटीड पेल देगा, गारंटीड। अंदर से आप कैंप कर रहे हो, तो जो अभी नया गेम मोड आया है 32 vs 32, वो डायरेक्टली बैटलफील्ड से कम्पीट करने के लिए बनाया गया है, और पूरा का पूरा नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ रही थी कि हाँ भाई, टैंक लेके जा रहे हैं इतने सारे प्लेयर्स एक साथ पहले फ्लैग के ऊपर, फिर ऐसे 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 आगे वाले फ्लैग कैप्चर करना है उनको और फिर सामने वाली टीम को हराना है, तो वो सारी फीलिंग बैटलफील्ड वाली आ रही थी। प्लस उसमें लिटिल बर्ड भी दिया हुआ है अभी बीटा में करंटली, और लिटिल बर्ड सिर्फ आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प कर रहा है। इसमें कोई ज़्यादा उसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि बंदा कोई डोमिनेट करे, वो बंदा डोमिनेट कर भी नहीं सकता, एयर टू एयर मिसाइल इतनी पावरफुल है, आपको पता पड़ने से पहले ही कि मिसाइल आपकी तरफ आ रही है आपका गेम हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, टाइम टू किल बहुत फास्ट है और एंटी टैंक मिसाइल जो है उसका रेंज बहुत ही रिडिकुलस है। अगर आपसे 10 फीट दूर भी जाके वो पड़ी है, या आप पहाड़ पे, क्लिफ पे कहीं खड़े हो टैंक लेके अपना, और वो आपसे आगे क्लिफ के नीचे लगी है पहाड़ों में मिसाइल, तो भी आप मर जाओगे। और क्रूज मिसाइल कितनी पावरफुल है ये बोलना
तो मुझे पड़ेगा ही। हर बंदा क्रूज मिसाइल अनलॉक कर सकता है, 3-4 किल करी क्रूज मिसाइल आ गई, भना भन जहाँ पे भीड़ दिख रही है वहाँ पे क्रूज मिसाइल लेके गेम कर दो सामने वाले का। तो क्या हम कॉल ऑफ ड्यूटी को किसी भी प्रीवियस बैटलफील्ड से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यार ये उस बैटलफील्ड से अच्छा था, या ये बैटलफील्ड 3 से अच्छा था, या ये बैटलफील्ड 2 से अच्छा था, या फिर ये बैटलफील्ड 4 से अच्छा है, या फिर ये बैटलफील्ड 5 से अच्छा है? नहीं, डायरेक्टली आप किसी भी बैटलफील्ड गेम से इसे कंपेयर नहीं कर सकते कि जो कम्युनिटी है उसको एक मौका या फिर उसके लिए एक नया फीचर आया है कि हाँ भाई 32 vs 32 आपको चाहिए गेम मोड कॉन्क्वेस्ट टाइप का, तो ग्राउंड वॉर हमने दे दिया है, खेलो उसमें जाके मज़े करो। पर वो इतना केओटिक है, इतना केओटिक है भाई कि सी फ्लैग कितना केओटिक है, बी फ्लैग, ये दो फ्लैग इतने केओटिक है कि क्या बताया जाए। आप अगर एक सेकंड के लिए भी रुक जाओ, आप कोई ना कोई गारंटीड आपका गेम करने वाला है वहाँ पे। आपको अगर सी और बी फ्लैग पे खेलना है ग्राउंड वॉर वाले मैप में, तो ये समझो कि आपके पीछे एक शेर लगा हुआ है और आपको भागते रहना है और जो बंदा दिखे उसकी खोपड़ी खोलनी है, वरना एक सेकंड नहीं लगेगा आपका काम होने में। और आप लोग बोलोगे स्नाइपिंग की बात नहीं करिए, अरे स्नाइपिंग की बात करेंगे, उसका वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी, आप सोचो कि उससे जल्दी ले आऊँगा मैं वीडियो। खैर, इसी तरह का गेम प्ले कॉल ऑफ ड्यूटी का स्टेपल रहा है हमेशा से, एक खानदानी निशानी है कॉल ऑफ ड्यूटी की इसी तरह का गेम प्ले, मतलब लेस ऑफ रिकॉइल, फास्टर एम, कूदो कूद के मारो, स्लाइड करके मारो, जैसे नहीं कॉर्नर पर कूदे और जंप करके शॉटगन मारी, ऐसा ऐसे इसी टाइप का गेम प्ले बहुत ही एक स्टेपल रहा है हमेशा से कॉल ऑफ ड्यूटी का, और वो अभी तक कैरी फॉरवर्ड होता हुआ। एक बात मैं लास्ट में बोलता चलूँ, अगर कभी कल को आपका मन करे कि आप कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर खरीद के खेलना चाहते हो, एक बात मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आप बार बार इस गेम में मर रहे हो तो वह आपकी गलती नहीं है, इस गेम के स्पॉन पॉइंट बकवास हैं, आप एनिमी के पीछे लिटरली स्पॉन हो सकते हो, और आप किसी को मार रहे हो तो आपके पीछे एनिमी स्पॉन हो सकता है, तो इसमें स्पॉन पॉइंट में भी बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है, वेपन बैलेंस में काम करना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, काफ़ी चीज़ें बग्ड आउट हैं। वर्क होता है बुलेट पेनिट्रेशन वर्क, वर्क आपने यूज़ किया तो गोली आपके एनिमी के आर पार होगी, वो मेरे लिए पर्क काम कर ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, इस गेम का ही बग है कि किसी पर्टिकुलर असॉल्ट राइफल के साथ काम नहीं कर रहा है। मैंने मोस्टली ओडन के साथ यूज़ किया था वो पर्क, क्योंकि ओडन का डैमेज बहुत ही खतरनाक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार बुलेट पेनिट्रेशन इस गन के साथ मैं यूज़ करता हूँ तो बहुत बेनिफिशियल होगा ओडन के साथ में, ओडन बहुत कर्रा मारती है, उसमें लेके आऊँगा उसका गेम प्ले आपके लिए सके मैंने बताया। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो था दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर से जरूर एक लाइक बटन हिट कीजिए और ऐसे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो कि गेमिंग पसंद करते हैं। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाली लाइव स्ट्रीम्स में मैं आपसे फिर मिलूंगा। मैं हूँ गोल्डी, भारत माता की जय, बैम बूम ब्रीम, आज्ञा दीजिए मुझे, आप सभी को शुभरात्रि, मेरी ओर से प्रणाम।